अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भिवंडी शहर में रहने वाले और भिवंडी शहर के आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पता है कि भिवंडी शहर के पोगाव क्षेत्र चामिंद्रा रोड पर जो नासिक के लिए रास्ता जाता है वहां एक बड़ा इज्तिमा मुस्लिम समाज का हुआ 8, 9 और 10 मार्च 2019 को। ये इज्तिमा यहाँ हुआ और इस इज्तिमा को संभालने के लिए जो बच्चे लगे, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जो टीम लगी, चाहे वो सफाई कामगार रहे हो या इस तरह के और किसी पदों पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर नगर पालिका में कार्यरत रहे हों, वो सारे लोग इस इज्तिमा के पीछे खड़े रहे क्योंकि यहाँ कई लाख पब्लिक आई। और किसी प्रोग्राम के पीछे जो लोग होते हैं वो उस प्रोग्राम की बड़ी ताकत होते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। और ख़ास बात यह है कि भिवंडी शहर के लड़कों ने और भिवंडी शहर के आसपास से आने वाले जो लड़के थे जिन्होंने ट्रैफिक का निज़ाम जो सिस्टम था वो संभाला, बड़ी मेहनत की इन बच्चों ने। और इस्तेमागार के पीछे जो टीम खड़ी थी साफ़ सफाई के लिए, ज़रूरत पड़ने पर पानी के लिए, ज़रूरत पड़ने पर जो ख़राब पानी वहाँ जमा हो रहा था उसको निकालने के लिए और भी इस तरह की जो बहुत ही ज़रूरी ज़रूरतें थी उस पर पूरी एक टीम जो भिवंडी शहर के लोगों को दिखाई नहीं दी होगी, मगर एक पत्रकार के नाते मैं और मेरे दोस्तों ने उसको अच्छी तरह से देखा और समझा। हो सकता है कि इज्तिमा हो जाने के बाद ऐसी कोई रवायत ना हो कि कुछ जिम्मेदार लोग सामने आकर जो लोग इसमें काम कर रहे थे इज्तिमागार को संभालने के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। मैं कल से इस बात पर ध्यान दे रहा था कि हो सकता है कोई जिम्मेदार सामने आकर शुक्रिया अदा करे इन लोगों का, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए मजबूरन मुझे खुद सामने आना पड़ा। मैं भिवंडी शहर की आवाम की तरफ से, अपने सभी पत्रकार दोस्तों की तरफ से, भिवंडी शहर की जो सामाजिक संगठनें जगह जगह पानी के सबील या उसमें खाने का या फ्री पानी बांटने का या इस तरह का कुछ भी जो बांट रहे थे नासिक रोड पर और इज्तिमागार के अंदर का जो हिस्सा था वहाँ पर फ्री में बट रहा था, तब कहीं ना कहीं एक बड़ा टीम वर्क था और बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए एक बार मैं भिवंडी शहर में उन नौजवान बच्चों को जिन्होंने ट्रैफिक का निज़ाम संभाला था, मैं और मेरे दोस्त उनका नाम तो नहीं जानते मगर हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं कि भिवंडी शहर का इतना बड़ा प्रोग्राम बिना पुलिस के, क्योंकि पुलिस एक तरफ बैठी हुई थी, आप लोगों ने संभाला। मैं मेरे दोस्तों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबील पर जिन जिन लोगों ने बैठकर रात दिन एक कर दिया और लोगों को बिना किसी का नाम पूछे पानी पिलाते रहे या नान खटाई खजूर या खाना बांटते रहे, मैं अपने सभी दोस्तों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जो कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, और ये जो क्षेत्र है पोगाँव में आता है, गोरथई ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, बाजू में भीनार ग्राम पंचायत है उनके जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों का इसमें हाथ था और सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस इज्तिमा को कामयाब बनाया। आने जाने वालों को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, मैं उन लोगों से भी क्षमा चाहूँगा कि अगर आने जाने के इस बीच आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं भिवंडी शहर के लोगों से क्षमा चाहूँगा। एक बार फिर मैं अपने दोस्तों की तरफ से, अपने पत्रकार दोस्तों की तरफ से, भिवंडी शहर की जनता की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने जहाँ भी अपना योगदान दिया, जहाँ भी मदद की, वो शुक्रिया के हकदार हैं। मैं खान फकरे आलम, शक्ति समाचार के लिए।